बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने पेजेस में कंटेंट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करना सीखा है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हम पेज में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई तस्वीर ऐड करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से ऐड करेंगे और उसके साथ साथ इमेज से रिलेटेड कौन से ऑप्शन हैं जिन्हें हम जो है डिस्कस कर सकते हैं। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पर मैं अपने अबाउट अस पेज में ही अपने इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को थोड़ा बेहतर करता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट कर देता हूँ या इसको जस्टिफाइड कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट जो है बेहतर नज़र आए। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ व्यूवर्स कि जो मेरी इमेज है या मेरी जो तस्वीर है वो इस टेक्स्ट के साइड पर, राइट साइड पर, यहाँ पर अपीयर हो, अकाउंटिंग के वर्ड के साथ राइट साइड पर। तो व्यूवर्स यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। एड मीडिया के बटन पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए व्यूवर्स मेरे पास फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, यानी मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ। व्यूवर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो मेन ऑप्शंस हैं, अपलोड फाइल्स और मीडिया लाइब्रेरी। व्यूवर्स मीडिया लाइब्रेरी क्या है इसको हम अभी डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस में आप जो भी इमेजेस अपलोड करते हैं वो अलग से एक खास जगह पर सेव होते रहते हैं और उस जगह का नाम है मीडिया लाइब्रेरी। चूँकि अभी तक हमने इस वेबसाइट में कोई भी इमेज अपलोड नहीं किया, इसलिए मीडिया लाइब्रेरी एम्प्टी है। इमेज अपलोड करने का एक तरीका ये हो सकता था कि मैं पहले अपनी उस तस्वीर को मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करता और उसके बाद वहाँ से इसे अपने पेज में इंसर्ट करता, और दूसरा तरीका ये है व्यूअर्स कि मैं डायरेक्टली अपलोड फाइल्स पर जाके उस इमेज को अपने पेज में डाल दूँ, वो फाइल या वो इमेज ऑटोमेटिकली मीडिया लाइब्रेरी में भी सेव हो जाएगी। तो मैं अपलोड फाइल्स के बटन पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल्स के बटन पर क्लिक किया और व्यूअर्स मैं डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर नया बनाया है जिसमें मेरी तमाम फाइल्स होंगी जो मैं अपनी इस वेबसाइट बनाने में यूज़ करूँगा। तो प्रोजेक्ट फाइल्स को मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे व्यूवर्स मेरी इमेज मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए व्यूवर्स जब ये मैंने इमेज सेलेक्ट किया, अब ये इमेज रेडी है मेरे पेज में इंसर्ट होने के लिए, लेकिन राइट साइड पे आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, हम इन ऑप्शंस को अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्यूवर्स यहाँ पे टाइटल मौजूद है अवैस कामरान, एक्चुअली टाइटल वो टेक्स्ट है जो उस वक्त नज़र आएगा जब इमेज पर आप कर्सर लेकर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई पिक्चर। कैप्शन व्यूवर्स वो टेक्स्ट है जो कि आप इमेज के नीचे अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं अटैच करके, तो ये वो आप कैप्शन के तौर पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर माई लेटेस्ट पिक्चर यहाँ पे कैप्शन दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है देना, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ऑल टेक्स्ट व्यूवर्स वो टेक्स्ट है जो कि सर्च इंजन्स को नज़र आता है जब वो उनके क्रॉलर्स हमारे पेजेस को विजिट करते हैं, या अगर आपके ब्राउज़र में आपने इमेजेस को डिसेबल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आएगा, इमेज नज़र नहीं आएगा, वो टेक्स्ट नज़र आएगा जो आपने ऑल्टरनेट टेक्स्ट या ऑल्ट टेक्स्ट में इंसर्ट किया होगा। तो मैं ऑल्ट टेक्स्ट की फील्ड को फिल कर रहा हूँ, अगर चाहिए कंपलसरी नहीं है लेकिन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं लिखता हूँ द इमेज ऑफ द साइट ओनर। उसके बाद भी व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि बाद में जब मीडिया लाइब्रेरी में बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी हो जाएंगी तो आप उस डिस्क्रिप्शन की मदद से याद रख सकते हैं कि कौन सी फाइल आपने कहाँ पे यूज़ की है। अलाइनमेंट मौजूद है व्यूअर्स इसकी, इस इमेज को आप अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट और नन में। व्यूअर्स लेफ्ट में जाहिर सी बात है कि लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगी, सेंटर में सेंटर पे, और राइट की सूरत में राइट, और नन पे व्यूअर्स होगा ये कि अगर आप अलाइनमेंट इसकी नन रखते हैं तो जिस जगह पर इमेज इंसर्ट हुआ है उसके दाएं या बाएं आप टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते, टेक्स्ट नहीं रख सकते। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट हो, राइट साइड पर मेरा इमेज हो, तो मैं इसलिए इसकी अलाइनमेंट रख देता हूँ राइट, यानी ये राइट अलाइन है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यूवर्स लिंक टू। लिंक टू का मतलब व्यूवर्स ये है कि अगर इस इमेज पर कोई क्लिक करे तो वो कहाँ जाए। व्यूवर्स अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज पर क्लिक करने से वो फाइल ही ओपन हो जाए, जो इमेज फाइल है अलग से नए ब्राउज़र के अंदर, या नया पेज ओपन हो जाए और उसमें सिर्फ वो इमेज आ रहा हो, तो आप मीडिया फाइल को ही सिलेक्ट रहने दें। लेकिन व्यूवर्स मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस इमेज पे कोई क्लिक ना कर सके, ये इमेज क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे नन कर देता हूँ। अदरवाइज़ व्यूवर्स आपके पास दो ऑप्शन और भी हैं, अटैचमेंट पेज, आप इस इमेज पर क्लिक करके किसी और पेज पर भी जंप करवा सकते हैं अपने विजिटर को, या फिर कस्टम यूआरएल, अपनी मर्ज़ी का कोई यूआरएल आप टाइप, मिसाल के तौर पे आप टाइप कर दें google.com, तो जब कोई मेरे इमेज पर क्लिक करेगा वो google.com पे जंप कर जाएगा, लेकिन मैं इसे करूँगा नन। साइज़ में व्यूवर्स आपके पास जब आप इमेज अपलोड करते हैं उसका ओरिजिनल साइज़ और थंबनेल दो साइज़ आते हैं, मैं इसे फुल साइज़ में अपलोड करना चाहता हूँ। और इतना करने के बाद मैंने इंसर्ट इनटू पेज के बटन पर क्लिक किया,
अभी बस देखिए कि मेरा इमेज जो है राइट साइड पर आ रहा है, माय लेटेस्ट पिक्चर, ये वो कैप्शन है जो मैंने इंसर्ट किया था। और अगर मैं इसे अपडेट कर दूं, और अपडेट करने के बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर अबाउट अस का पेज जो है वो दोबारा से लोड करता हूँ, तो आप देखेंगे व्यूअर्स कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ पर आ रहा है, माय लेटेस्ट पिक्चर वो कैप्शन है जो कि मैंने इंसर्ट किया था। और अगर मैं इस पर अपना कर्सर लेकर आता हूँ व्यूअर्स अपने इस पिक्चर के ऊपर, तो वो टाइटल आता है जो टाइटल मैंने अपने इमेज के लिए इंसर्ट किया था, यानी माय पिक्चर। और ऑल टेक्स्ट व्यूअर वो टेक्स्ट है जो कि उस वक्त नज़र आएगा अगर मैंने अपने इमेजेस को डिसेबल किया हो। तो व्यूअर्स इस तरह से आप अपने पेज में इंतहाई आसानी के साथ इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं।